दुबई से खबर शामिल करते हैं, जहां पर दुबई में 22.5 लाख दरहम मालियत के सिगरेट चोरी करने वाले गैर मुल्कियों को सजा सुना दी गई। न्यूज वेबसाइट प्रो पाकिस्तानी के मुताबिक दो मुजरमों ने एक वेयर हाउस से सिगरेट के 375 बॉक्स चोरी किए थे, जिन्हें अदालत ने 9 और 6 माह कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुलजमान की कैद की सजा पूरी होने के बाद उन्हें मुल्क बदर करने का हुक्म भी दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजरमों के खिलाफ एक टोबैको ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर की तरफ से पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये मालूम नहीं हो सका कि मुजरमों का ताल्लुक किस मुल्क से है।